22-23 साल के युवाओं ने देश की आजादी की इस लड़ाई को तेज करने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए अपने जीवन को निछावर करने का काम किया। बुजुर्ग युवा साथियों, मंच पर विराजमान जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के वरिष्ठ तमाम पदाधिकारीगण और बरवाड़ा की अनाज मंडी में मौजूद शहीदी दिवस के इस पावन अवसर पर मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, युवा साथियों, आज ये जो पावन अवसर हम बनाने का काम कर रहे हैं, इसका इतिहास तो अनेकों बार आप लोगों ने अलग अलग लोगों के मुख से सुनने का काम किया, किताबों में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने का काम किया। मगर जब मेरे को चौधरी देवीलाल के जीवन के अंदर जब जब झांकने का मौका मिला है, उनके बारे में पढ़ने का मौका मिला, तो हमेशा शहीद आजम भगत सिंह के बारे में जरूर कुछ ना कुछ एक लगाव, जुड़ाव स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जीवन से सीखने को मिला। यह इतिहास तो सबको पता है कि जब शहीद आजम भगत सिंह की सनात परेड थी, उस परेड के अंदर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को भी अंग्रेजी हुकूमत ने खड़ा करने का काम किया था कि एक लंबा चौड़ा युवा, कहीं चौधरी देवीलाल ही भगत सिंह तो नहीं थे। मगर हैरानी की चीज है, आज से 42 साल पहले जब 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी इस देश में इंदिरा गांधी ने खत्म करी, 5 लोग ही ऐसे थे जिनको जेल से बाहर आने नहीं दिया गया, और उन 5 लोगों में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी एक थे। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं चौधरी देवीलाल जी के बारे में पढ़ रहा था तब पता चला कि जैसे ही 23 मार्च जेल के अंदर आई तो चौधरी देवीलाल ने लिखित तौर पर सुपरिटेंडेंट को कहा कि आज स्वर्गीय भगत सिंह के, राजगुरु के, सुखदेव के, इस शहीद स्वर्गीय भगत सिंह के, राजगुरु के, सुखदेव के, इस शहीदी दिवस पर हमें जेल में शहीदी दिवस की प्रार्थना सभा बनाने को समय मिले। और आज हमारा सौभाग्य है कि 42 साल बाद बरवाड़ा की इस मंडी को, जिसको लोगों ने समाप्त करने के आदेश दे दिए थे, चौधरी देवीलाल ने दोबारा इसको मंडी का स्वरूप देने का काम किया। आज इस पावन धरा पर उन्हीं 3 हमारे वीर शहीदों को नमन करने के लिए हम सब एकत्रित होने का काम कर रहे हैं। बुजुर्ग युवा साथियों, मैं तो इतना बोल सकता हूं, आज की देश की, प्रदेश की जो स्थितियां, इन स्थितियों के ऊपर मैं 4 ही चीज कहना चाहूंगा। भेदभाव मिटाना बाकी है, युवाओं को उनका अधिकार हक दिलाना बाकी है, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के सपनों का आज मिलकर हिंदुस्तान बनाना बाकी है। लोकसभा के चुनाव की तारीख तय हो गई, पहले चरण की नॉमिनेशन आपके सामने है, 48 दिन बाद हरियाणा के अंदर चुनाव आपके सामने होंगे। 48 दिन के अंदर साथियों, जैसे अंग्रेजी हुकूमत जब शहीद आजम भगत सिंह आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको कहती थी ये तो पागल घूम रहा है, बहुत से ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं जब हमने युवाओं की आवाज उठाने की शुरुआत करी तो कहते हैं तो पागल हुए घूम रहे, ये तो बंदरों की फौज घूम रही है। मैं तो आप सब से आग्रह करूंगा, इन 48 दिनों के अंदर
इतना पागलपन युवाओं के अधिकार और रोजगार के लिए दिखाने का काम करो कि 480 दिन जितनी मेहनत कर हम इस प्रदेश में एक परिवर्तन की मजबूत नींव रखने का काम करो। बुजुर्गों, युवा साथियों, समय कम है। आज समय के अंदर जैसे शहीद आजम भगत सिंह ने असेंबली के अंदर बम फेंके थे, उन्होंने कहा था ये गुंगी बहरी अंग्रेजों की हुकूमत के कान में खड़का करो वो जागेंगे। आज बम फेंकने का समय नहीं है, आज तो आपके पास एक ताकत है और वो बटन की ताकत है। बुजुर्ग युवा साथियों, मैं तो इतना बोलूंगा कि घर घर जाकर हरियाणा प्रदेश के चप्पे पर जाकर इस चप्पल के चुनाव चिन्ह को पहुंचाने का काम करो कि जब समय आए तो जैसा पागलपन शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों ने इस देश की आजादी के लिए दिखाने का काम करा था, इसका युवा वो पागलपन लेकर चप्पल का बटन दबाकर एक परिवर्तन की मजबूत नींव रखने का काम करो। बुजुर्ग युवा साथियों, मैं तो आपसे अनुरोध विनती इतनी कर सकता कि यह समय बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण समय में बड़े बड़े बदलाव हमें लेकर आने। मैं जब देखता हूं परिस्थितियां तो आज देश के प्रदेश के हालात में केवल मात्र मतभेद है, द्वेष भावना है, बंटवारा है। लोग प्रयास करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमें बांट दिया जाए। पर मैं इतिहास से आपको कई वाक्य साझे करना चाहूंगा। आज शहीद आजम भगत सिंह की हम टीम की बात करें जो उनके साथ कुर्बानी देने की फौज खड़ी हुई थी, तो हैरानी है कि उस फौज के अंदर हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान थे। जिस दिन असेंबली के अंदर बम की खड़के करे, बम का शोर करने का काम भगत सिंह जी ने किया, तो आखिरी रोटी अगर भगत सिंह ने किसी के घर खाई तो अपने वहां पर सफाई करने वाले एक दलित के घर खाने का काम किया था। आज भगत सिंह की बात करें तो हिंदी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, अंग्रेजी हो, हर भाषा का वो ज्ञान रखने का काम करते थे और आज उसका हम नतीजा देखते हैं कि 1931 के अंदर जब इतना ज्ञान था कि 700 किताबें 23 साल की उम्र में वो पढ़ गए थे, तब जाके लोगों ने भगत सिंह को अपना नेता मानने का काम किया, वो दिशा दिखाने का काम किया और असेंबली में जाकर भगत सिंह ने जो, राजगुरु जी ने जो, सुखदेव ने जो एक खड़का शोर या अंग्रेजी हुकूमत को जगाने का प्रयास किया, उसका नतीजा था कि 16 साल के अंदर इस हिंदुस्तान को हमने आजादी दिलवाने का कार्य किया। बुजुर्गों युवा साथियों, मैं तो आप सबसे ये अनुरोध कर सकता कि युवाओं की जब बात आती है, बहुत से ऐसे साथी हैं जो युवाओं को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं और मेरे को तो हैरानी होती है। जब हम देश की बात करें तो 48 साल के राहुल गांधी को आज कांग्रेसी युवा बनाकर घुमाने का काम कर रहे हैं। बुजुर्गों युवा साथियों, 186 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी अनाउंस किए, उन 186 कैंडिडेट के अंदर आज कितने युवाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। आज बात करी जाती है नौकरियों की तो युवा पिछड़ता जा रहा है, आज बात करी जाती है फैक्ट्रियों की तो सरकार कह तो देती है हमने मुद्रा लागू करी, मगर कहीं ना कहीं आज भी वो मुद्रा जैसी योजनाएं करी, मगर कहीं ना कहीं आज भी वो मुद्रा जैसी योजनाएं युवाओं से दूर बैठी। करोड़ों रुपए मोदी जी ने 5 साल में खर्च करे स्किल इंडिया के नाम पर, मेक इन इंडिया के नाम पर, मुद्रा के नाम पर, पर उन करोड़ों रुपयों के अंदर कोई साधन व्यवस्था युवाओं के रोजगार की नहीं बनी। उन करोड़ों रुपयों में से तो 50% से ज्यादा रुपए मोदी जी के होर्डिंग पोस्टर लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्च करने का काम किया। बुजुर्ग युवा साथियों, अभी अनंतराम जी ने बड़ा अच्छा एक प्रस्ताव रखा और हम जब इतिहास को उठाकर देखते हैं तो शहीद आजम भगत सिंह ने इस देश की कुर्बानी के लिए अपनी जान निछावर करने का काम किया। वो 23-23 साल के 3 युवाओं ने हंसते हंसते अपने फंदे को चूमकर
फांसी लगाने का काम किया। मगर साथियों, आज भी हिंदुस्तान के सरकारी रिकॉर्डों के अंदर शहीद आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया। बहुत से युवा साथी थे, जानते नहीं कि आज के दिन भी सरकारी आंकड़ों पे उनको गद्दार का दर्जा दिए बैठे। मैंने तो उस समय के जब मैं एमपी बनकर पार्लियामेंट में गया, महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी से मुलाकात कर यह आग्रह किया। उनने भी अपनी ओर से भारत सरकार को एक पत्र लिख दिया। मैं स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर आया कि अगर इस देश के अंदर युवाओं की सोच को आपने मजबूती देनी है, उनके आदर्श शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो फिर भारत सरकार के रिकॉर्ड में उनको शहीद का दर्जा देना पड़ेगा। मगर 4 साल के मेरे इस प्रयासों में मुझे जीत नहीं मिली। हम इस लड़ाई को आगे भी लड़ते रहेंगे, इस सरकार से लड़ेंगे कि सरकार अगर कोर्ट के रिकॉर्ड नहीं बदल सकती तो केंद्र सरकार पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाकर शहीद आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने का काम करे। मगर मैं आज बड़ा प्रेरित हूं जिस बात को आज अनंत राम तंवर जी ने हमारे बीच में रखा कि हमें हमारे इन वीर योद्धाओं को, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करना है। और अगर आप सब इसको पारित करना चाहे तो मैं जननायक जनता पार्टी की ओर से एक प्रस्ताव आपके सामने रखना, एक सरदार को इस देश की सबसे ऊंची मूर्ति के तौर पर स्थापित करने का काम किया। हम जिस दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनेगी, 2 साल के अंदर हमारे असली सरदार शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की मूर्ति जींद जिले की पावन धरा पर उतनी ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज अगर हम सरकारी दस्तावेज नहीं बदल सकते तो हम उनको शहीद के दर्जे के तौर पर एक सच्ची शहीदी स्मारक बनाकर श्रद्धांजलि देने का एक अपनी तरफ से छोटा सा उनके सम्मान में प्रस्ताव रख सकते हैं। और मैं तो उम्मीद रखूंगा कि आप सब मिलकर शहीद आजम भगत सिंह की उस कुर्बानी को नमन करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो एक चीज बताना चाहूंगा। शहीद आजम भगत सिंह कहा करते थे कि अगर सरकार आपके हकों की आवाज ना उठा, आपकी तकलीफों के विरुद्ध में आपको दबाने का काम करे, तो फिर हमें हिम्मत जुटानी पड़ेगी, हमें साहस दिखाना पड़ेगा और ऐसी सरकार को बदलना पड़ेगा। आज मौका आपके हाथ में है। पूरे देश के अंदर आम चुनाव, आज आम चुनाव युवा को कहीं ना कहीं दबाने का काम कर रहा है। आज से 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, वो एक बात कहा करते थे, और ये पत्रकार साथी मेरे मानेंगे इस बात को, बड़े बड़े नारे लगा करते थे, दीवारों पे वॉल पेंटिंग करी गई, कहा गया अच्छे दिन आएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या अच्छे दिन आए? क्या आज युवा के हाथ में रोजगार आए? क्या आज महंगाई कम हुई? क्या महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध कम हुए? क्या विदेशों से काला धन वापिस आया? क्या डॉलर गिरा? क्या हमारे देश की आर्थिक हालात सुधरी? बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो इतना बोल सकता कि जो हालात आज देश के 5 साल के बाद भी, आज देश की सरकार केवल मात्र एक ही चीज को नए तौर पर शुरू कर आगे बढ़ रही है। और वो नई चीज हैरानी की है, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के संतरी तक ने अपने नाम के आगे लगा ली और लिखना शुरू कर दिया कि मैं भी चौकीदार। आज चौकीदार की हालत देखो, वो 3,000 रुपए लेने वाला चौकीदार बिना साइकिल के, बिना रिजाई कंबल के, बिना टॉर्च के
फिर भी असलियत में इस देश की सुरक्षा करने का काम कर रहा है। मैं हैरानी है कि 14 दिन के अंदर 53 जवान हमारे बॉर्डर पर शहीद हुए। 53 जवानों की शहादत को ना देखते आज भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्राएं निकालने का काम कर रहे, आज गौरव यात्राएं निकालने का काम कर रहे। आज हमें गर्व है हम हरियाणा की इस मिट्टी से आते हैं, जिस मिट्टी ने भारतीय सेना में हर 10वां जवान भेजने का काम किया है। आज हमें गर्व है उन माताओं बहनों पर जिनने अपने बेटों को, अपने सुहाग को इस बॉर्डर की सुरक्षा पर भेजने का काम किया है। बुजुर्गों, युवा साथियों, हमें गर्व है कि पुलवामा अटैक के तुरंत बाद हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान में जाकर बम फोड़ने का काम किया। पर बुजुर्गों, युवा साथियों, एक चीज देखो कि आज भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमारे उन फौजियों पर राजनीति करने का काम कर रही है। मैं तो इतना आपको बोल सकता, हमें तो गर्व है कि चाहे बोरवेल हो चाहे बॉर्डर हो, अगर जाकर कोई इस देश के अंदर अपनी जान को ना देखते हुए जान की बाजी लगाकर सुरक्षा करने का काम करता है तो हमारे वीर जवान है, वीर योद्धा है। और हमें तो गर्व है, बालसमंद के अंदर 1.5 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा और उस युवा साथी को बचाने में, चाहे हमारे सेना के जवान हो, NDRF के जवान हो, चाहे हरियाणा पुलिस के जवान अधिकारी हो, आज उनने 48 घंटे मेहनत कर उस युवा साथी की जान बचाने का काम किया। मैं तो इतना इसमें बोल सकता हूं कि आज मोदी जी को यह बताने का, चिताने का समय आ चुका कि अब अगर आपने बात करनी है तो फिर चौकीदार की नहीं रोजगार की बात करो। आज युवा साथी आपसे जवाब मांगेगा कि जिस प्रदेश में आपने आकर कहा था कि केंद्र में सरकार बना दो 2 करोड़ रोजगार दूंगा, प्रदेश में सरकार बना दो 1.5 लाख रोजगार दूंगा, आज उस हरियाणा प्रदेश में 4.5 साल से आपकी सरकार और 4.5 साल के अंदर 37,000 नौकरी आपकी सरकार दे पाए और 37,000 नौकरियों के अंदर 23,000 से 25,000 कर्मचारी रिटायर हो गए। आज हमें चौकीदार की नहीं, आज तो हमें रोजगार की जरूरत है और अगले 48 दिन एक एक युवा साथी रोजगार की मांग को लेकर आपकी सरकार से टक्कर लेने का काम करेगा। आज हौसला दिखाएगा आपको कि आपकी ये करीबी बातें कहीं ना कहीं